हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माओ लाइफ। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूँ ये मेकअप लुक। ये मैंने स्पेशली तीज के लिए क्रिएट करा है। अब तीज आने ही वाली है, सो गाइस मैंने ये लुक क्रिएट करा ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे, आप भी इसे आसानी से कर सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें शेयर करी है इसमें। यहाँ पर मैंने पीच एंड गोल्ड आई मेकअप रखा है विथ रेड लिप्स एंड ये पीच साड़ी पहनी है विथ ग्रीन ब्लाउज। चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का रोज़ हिप टोनर यूज़ कर रही हूँ। टोनर हमारे स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, तो मैं इसे अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब होने दूंगी। देन उसके बाद मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ, ये भी गुड वाइब्स का सीरम है, टी ट्री एंड पपाया ऑयल कंट्रोल सीरम है। ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा है। इसे मैं अपनी स्किन पर अच्छे से मसाज कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं लैक्टोकेलेमाइन लोशन यूज़ करूँगी। आपकी स्किन चाहे ड्राई हो, चाहे ऑयली हो, या चाहे कॉम्बिनेशन हो, किसी भी तरीके की स्किन हो, आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ज़रूरी है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। देन उसके बाद मैं लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मेबेलिन का बेबी लिप्स यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अपने लिप्स पर अच्छे से लगा लूँगी ताकि मेरे लिप्स मॉइस्चराइज रहे। देन उसके बाद मैं प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर। प्राइमर हमारे जो पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज़ करता है और हमारी स्किन पे एक लेयर बना लेता है, जिससे कि हम जो ये मेकअप करेंगे वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। देन उसके बाद मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ SQ का फाउंडेशन। इसे मैं अपने फेस पे, अपने नेक पे अच्छे से लगा लूँगी। फिर उसके बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अच्छे से इसे ब्लेंड कर दूँगी। हमें इसे डैप डैप करके ब्लेंड करना है, इसे ऐसे घिसना नहीं है। अगर आप इसे घिसेंगे तो आपकी स्किन पे जो है वो पैचेस शो होंगे। तो इसे डैप डैप करके अच्छे से आप लगा लीजिए। देन उसके बाद मैं कंसीलर यूज़ करूँगी। कंसीलर के लिए मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अपने अंडर आई पे, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड एंड लिप्स के अराउंड लगा लूँगी और इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। आप लोगों के लिए मेकअप हेल्पफुल रहा या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं और भी अच्छे लुक्स क्रिएट कर सकूं और आपके साथ शेयर करूं। नाउ मैं यहाँ पे आईलिड्स पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर लगा रही हूँ ताकि हम जब आई मेकअप करेंगे तो वो अच्छे से उभर के आए और मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर यहाँ पे मैं फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को सेट करने के लिए। हमने जो कंसीलर, जो फाउंडेशन लगाया है वो क्रीज ना करे, इसलिए अपने फेस को अच्छे से सेट कर लेंगे। ऑयली स्किन वालों के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अब बारी आती है आईब्रो की। तो यहाँ पे मैं मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ और मैं अपने आईब्रो को अच्छे से फिल कर लूँगी। आईब्रो को फिल करने के बाद मैं जो इसके बैक साइड पे जो स्पूली आता है उससे मैं अच्छे से उसे सेट कर लूँगी। जब हम आईब्रो पेंसिल यूज़ करते हैं तो हमारा लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। देखिए, अब यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का आई पैलेट ले रही हूँ। इसमें से ये लाइट शेड को लेकर अपनी क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। याद रखें, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो आपका आई मेकअप अच्छा होगा। देन उसके बाद ये वाला शेड लेके मैं उसे पूरी आईलिड पे लगा लूँगी। मैं इसे तब तक लगाऊंगी जब तक मुझे मेरा डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता। साथ के साथ मैं इसे ब्लेंड भी करते जाऊंगी। यहाँ पे मुझे आई मेकअप जो है वो थोड़ा सा पीची टोन में रखना था, इस वजह से मैंने पीच कलर यूज़ करा है। देन यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का ब्लशर है। एक्चुअली ये है तो ब्लशर, पर मैं इसे एज अ हाइलाइटर यूज़ करूँगी। तो इसे मैं लेकर अपनी आईज़ पर, जो आईज़ की जो लिड है उस पर लगा लूँगी, तो ये थोड़ा सा गोल्डन लुक आ जाएगा। पीची एंड गोल्डन टोन में हमारा आई मेकअप हो जाएगा। यहाँ पर मैं SQ का आई लाइनर ले रही हूँ और इसे मैं अपने आईलिड पर अच्छे से लगा लूँगी। थोड़ा सा विंग भी क्रिएट करूंगी मैं, तो उससे लुक थोड़ा अच्छा आएगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप लिक्विड आईलाइनर की जगह पेन आईलाइनर यूज़ कर सकते हो, वो आपके लिए इजी रहेगा। देन उसके बाद मैं ये डार्क वाला शेड लेके थोड़ा सा उसे क्रीज पे ब्लेंड कर दूंगी, बिकॉज मुझे थोड़ा ये लाइट सा लग रहा था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा डार्क शेड लेके इसे फिर से क्रीज पर ब्लेंड करा है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने लाइट शेड लिया था उसी लाइट शेड को लेकर मैं लोअर लेश लाइन पे अच्छे से स्मज आउट कर दूंगी। देन यहाँ पे NYB का काजल लूँगी और उसे लोअर वाटर लाइन पे अच्छे से लगा लूँगी। ये Z ब्लैक कलर है। सो गाइज, इससे लुक
काफ़ी अच्छा आएगा और आइज़ जो है वो पॉपअप हो जाएगी ना। अब यहाँ पे मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और मस्कारा के लिए मैं मैबेलिन का मस्कारा ले रही हूँ। ये वाटरप्रूफ मस्कारा है। आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद हम फिर से अब फेस मेकअप पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का जो पैलेट है इसी पैलेट में से ये जो ब्राउन शेड है इस शेड को लेकर अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने चिक्स को, अपनी जो लाइन को, फॉरहेड को एंड नोज़ को अच्छे से कॉन्टोर कर दूँगी। कॉन्टोरिंग इसलिए करना ज़रूरी है ताकि जो हमारा ये लुक है पूरा ये काफ़ी अच्छे से डिफाइन हो जाए, जो हमारा फेस है वो अच्छे से डिफाइन हो जाएगा तो एक अच्छा लुक आएगा। अगर आपकी चिक्स चबी है या आपकी डबल चिन दिखती है तो कॉन्टोरिंग करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, आई मीन लाइक आप ज़रूरी नहीं है कि डेली बेसिस पे कॉन्टोरिंग करें, पर अगर आप इस तरह का कोई मेकअप कर रहे हैं हैवी मेकअप तो उसमें आप थोड़ा सा कॉन्टोरिंग भी कर दोगे तो आपको एक अच्छा सा लुक मिल जाएगा। देन यहाँ पे मैं मिस क्लेयर का जो ये आई शेडो है, सिंगल आई शेडो, इसको मैं एज अ ब्लश यूज़ करूँगी। पिंक कलर का है ये। देन उसके बाद इस ब्यूटी का जो हाइलाइटर है शैम्पियन गोल्ड कलर है, इससे मैं अपने फेस को हाइलाइट कर दूँगी। यहाँ पे मैं अपनी चीक बोन को, क्यूपिड बो को, ब्रिज ऑफ द नोज़, फोरहेड, सब जगह हाईलाइट कर दूँगी। जो भी हाइलाइट्स पॉइंट है उन सबको हाईलाइट कर दूँगी। देखिए हाइलाइटिंग से मेरा फेस कैसा चमकने लगा है लाइक ट्यूबलाइट। अभी यहाँ पे बारी है लिपस्टिक की। तो यहाँ पे मैं मेबलिन की लिपस्टिक लगा रही हूँ इन शेड सीरेन स्कारलेट, कुछ ऐसा ही शेड है, मुझे नाम तो याद नहीं है बट यही कुछ शेड है रेड कलर में। अब यहाँ पे स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर लगा लूँगी एंड ब्यूटी ब्लेंडर से इसे डैप डैप कर दूँगी। यहाँ पे मैंने रेड कलर की बिंदी लगाई है एंड सिंदूर के लिए मैंने मरून कलर का सिंदूर लगाया है। और यहाँ पे हमारा ये लुक कंप्लीट होता है। आप लोग ज़रूर बताएं आपको ये लुक कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। एंड अगर आपको ये लुक पसंद आया हो तो आप भी इसे ट्राई करें। मैंने अपना पूरा लुक कंप्लीट कर लिया है। मैंने ये नेकलेस पहना है विथ मैचिंग ईयरिंग्स एंड रेड कलर का चूड़ा पहना है एंड हेयर स्टाइल में मैंने जूड़ा बनाया है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल बटन। आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियोज डालूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।